हर हर महादेव। लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर उड़ीसा। ये लिंगराज टेंपल जो है ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ टेंपल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है और इसमें पूरा का पूरा मंदिर पत्थर से निर्माण किया गया है। इस मंदिर में जितने भी गर्भगृह बने हुए हैं सारे गर्भगृह पत्थर से बनाए गए हैं। इसमें ईंटा कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है और जितने भी पत्थर जिस गर्भगृह के ऊपर जो कंगूरे बनाए गए हैं सब में बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके अंदर देवादिदेव महादेव विराजमान हैं, बीच में शालिग्राम है। तो यहाँ पर इस लिंगराज मंदिर में दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो देवादिदेव महादेव का बिंब प्रतिरूप देखने को मिलता है और दूसरा है विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान है। यह मंदिर बिंदु सागर झील के किनारे बसा हुआ है। इस झील के चारों तरफ आप देखेंगे तो 108 शिव मंदिर स्थापित हैं। झील के किनारे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और इसमें पानी हमेशा यूं ही भरा रहता है। श्रद्धालु जन इसमें स्नान करने के बाद 108 मंदिर के दर्शन करने के उपरांत वो परकोटे के अंदर बने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो कि गहना शेड बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है, करीब 2,50,000 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में बने इस अद्भुत मंदिर का मुख्य भाग पूर्व की ओर है जबकि अन्य छोटे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर मौजूद हैं। लिंगराज मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर एक भव्य मंदिर है जो मुख्य रूप से भगवान शिव शंभु को समर्पित है। यह मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक, विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 11वीं शताब्दी में निर्मित उड़ीसा का लिंगराज मंदिर दुनिया का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और रोचक इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उड़ीसा का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर माना जाता है जहां पर हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और यात्रा पर इस महान दर्शन के करने के लिए पहुंचते हैं। भारत के पौराणिक चित्रों में से एक लिंगराज मंदिर की दीवारें 55 मीटर हैं। मुख्य मंदिर के विमान से गौरी गणेश कार्तिकेय के छोटे छोटे मंदिर व बहुत सुंदर नक्काशी नुमा प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण सोम वंश के राजा ययाति केसरी ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि जब राजा ययाति केसरी ने अपनी राजधानी इस जगह को बनाया तो उन्होंने लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। लिंगराज मंदिर के आसपास कुल 150 मंदिर हैं। इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। इस पवित्र और विशाल मंदिर में भगवान शिव को त्रिभुवनेश्वर के रूप में पूजा जाता है जिसका अर्थ है त्रिलोकों के भगवान। इसी मंदिर परिसर के अंदर शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो कि ये पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर
शिव भगवान और विष्णु भगवान की पूजा एक ही मंदिर के अंदर किया जाता है। मंदिर के चार विभाग हैं, अर्थात गर्भगृह, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप। लिंगराज को स्वयंभू कहा जाता है। ये लिंगराज मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और इसके आने के लिए सबसे अच्छा सुगम है। एयरपोर्ट से भी यहाँ पर आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से अगर बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। रेलवे स्टेशन से अगर बात करेंगे तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये लिंगराज प्राचीन मंदिर स्थापित है। इसके चारों तरफ कहीं भी आप ठहर सकते हैं, गेस्ट हाउस है, कन्वेंस बहुत अच्छा है। चाहे आप एयरपोर्ट से आए या मंदिर से आए, दोनों जगह से आपको 24 घंटे यहाँ पे साधन उपलब्ध हैं। तो आप जब भी पुरी आएँ, भुवनेश्वर आएँ, तो इस प्राचीन लिंगराज मंदिर के दर्शन करना कभी ना भूलें। हर हर महादेव। नमस्कार।